तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। ये एक अच्छा सा सवाल है और बच्चे इसको अक्सर डाउट में लेके आते हैं। तो ये जो है इस टेस्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इन एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 है और रेजिस्टेंस आर टू इज इक्वल टू 10.0 है और वो प्लस माइनस 0.1 ओम है। तो कहता है फाइंड कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल प्लस माइनस डेल्टा आर और परसेंटेज, ये हमें निकालना है यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर वन प्लस आर टू, मतलब 5 प्लस 10 दैट आ जाएगा 15। 5 प्लस 10 है, नहीं, ये तो हमने सीरीज में ले लिया, सॉरी पैरेलल में पूछा ना, तो पैरेलल में पूछा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पैरेलल में निकालता हूँ। तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस आप देखोगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 अपन, यहाँ से पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 अपन आर, 1 अपन आर1 प्लस 1 अपन आर2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो 1 अपन आर की वैल्यू, 1 अपन आर की वैल्यू मतलब 5 और प्लस 1 अपन आर वो 1 अपन 10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 10 प्लस 5 और यह आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब यह आ जाएगा 15 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 3 टाइम्स कट जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 अपॉन 3। 10 अपॉन 3 का मतलब होता है 3.3, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.3 ओम आ जाएगी ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.3 है तो हमारा जो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही है, लेकिन अगर सब 0.33 दिया रहता तब मैं क्या करता, तो ये देख लेते हैं, डेल्टा आर निकालते हैं। तो अगर 1 अपन आर रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 1 अपन आर1 है प्लस 1 अपन आर2 है, तो इसको मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू R1 R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये वाला लिख सकता हूँ। अब मुझे डेल्टा आर चाहिए इसमें, आर में अगर मैं डेल्टा आर निकालूँ तो क्या लॉजिक बनता है और कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को मैं समझता हूँ। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे डेल्टा आर निकालने की कोशिश करोगे तुम, तो डेल्टा आर अपन आर इज इक्वल टू, एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो डेल्टा R1 अपन R1 प्लस डेल्टा R2 अपन R2, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था तो सम में हो जाएगा, प्लस जो डिनोमिनेटर में है डेल्टा उसका, डेल्टा R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा R1 अपन R1 प्लस डेल्टा R2 अपन R2 यहाँ से, और यहाँ से प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और अगर मुझे डेल्टा आर चाहिए तो इसमें जो एक्चुअल आर है, परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा आर अपन आर इसमें तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये, और इसमें भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डेल्टा R1, पहले मैं देखो डेल्टा R1 कितना था, डेल्टा R1 0.2 था, तो ये 0.2 और डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, और मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया। और डेल्टा R2 देखो 0.1 था और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी यार, देखो 0.1 था, 10 था, तो ये था 10 और इसमें ये था 10, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये 10 था, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से, प्लस डेल्टा 0.1 और 0.1.2 का सम, और R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 5 15, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से। तो फाइनली तुम जब ये वाला सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट से एक पॉइंट ख़त्म हो गया, तो यह आ जाएगा 4% और प्लस एक पॉइंट यहाँ से ख़त्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1% प्लस ये आ जाएगा 0.3 और मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे डिवाइडेड बाई 15, तो ये पॉइंट गया और ये आ जाएगा 2%। तो यह आ जाएगा 4% प्लस 1% प्लस 2%, ठीक है। तो अगर तुम दिखाओगे तो यहाँ कुल मिला के 7% का एरर आएगा,
परसेंटेज एरर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैं रेजिस्टेंस को बड़े आराम से लिख सकता हूँ। इसमें रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर परसेंटेज एरर, तो ये आ जाएगा कितना 3.3 और प्लस माइनस 7%। मतलब ये कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो अपना ए ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो। थैंक यू, बाय बाय।